क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज वीक दिल्ली मिनी सर्कल एंड हॉर्टिकल्चर डिवीजन 2 हैव ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चर प्रोग्राम टू क्रिस्ट दिस ओकेजन. वर्ल्ड हेरिटेज इज डिस्क्राइब्ड एज कॉमनवेल्थ ऑफ मैनकाइंड. दिस डे इज ब्रिलियंट रिमाइंडर ऑफ आवर कल्चर पास्ट एंड इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज. एज वी नो that the World Heritage Week 2019 is being observed from 19th November to 25th November. The objective of this celebration is for the preservation of cultural heritage and monuments. Without taking much time of your permit us to start culture program, I invite Mr. Vinayanand Mahod to perform ASI opening song. Please come. Mr. Vinayanand ji, वो आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करेंगे. आपके सामने opening song प्रस्तुत कर रहे हैं Vinayanand ji. Ladies and gentlemen, I am presenting here ASI opening song. Thank you.
सब विभाग का दर्पण संग्रहालय उद्यान विज्ञान शाखाओं में विनयानंद जी, बहुत ही सुंदर जो है संगीत सुना, जिसके माध्यम से उन्होंने हमारे भारतवर्ष में जितने भी हमारे संरक्षित स्मारक हैं उनके बारे में जानकारी दी। जितने भी विश्वदाय स्मारक हैं उनके संरक्षण और परिरक्षण के बारे में भी बताया गया, और इन्होंने अपने गीत के माध्यम से ही ये भी बताया कि हमारे पुरातत्व विभाग में उद्यान शाखा, विज्ञान शाखा, संग्रहालय आदि जो शाखाएं हैं वो सभी मिलजुल करके स्मारकों का परीक्षण और संरक्षण कर रही हैं। धन्यवाद। अब इसके पश्चात में कथक नृत्य को आमंत्रित करता हूं। ये कथक जो नृत्य है ये इनकी विभिन्न हाथों की मुद्राएं के माध्यम से, साथ साथ पत्ताल और इनकी विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से ये भारतीय संस्कृति का एक अवलोकन है। तो मैं श्रेया रुस्ती जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना नृत्य प्रस्तुत करें। श्रेया नृत्य। Oh,
साधारे तुझे विनयानंद जी डिप्टी एसएच हॉर्टिकल्चर ब्रांच टू टू प्रेजेंट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग डिस्क्राइबिंग द हेरिटेज मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया एंड इट्स अचीवमेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट इज माय प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल दैट मिस्टर मोहम्मद इज सॉन्ग लिरिक्स एंड म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग ये एक संगीतकार हैं इन्होंने ही इसकी रचना की है इन्होंने ही इसको लय और सुर से बांधा है विनयानंद जी के प्राचीन धरोहर मैं फुजरक के प्राचीन धरोहर मैं फुजरक के प्राचीन धरोहर सनी द प म प मगर सा मैं फुजरक के प्राचीन धरोहर भारत के ऐतिहासिक स्मारक सारे विश्व में है महान भारत के ऐतिहासिक स्मारक सारे विश्व में है महान इस विरासत को महफूज रखना यही हमारी पहचान सदा रही है पहचान सदा रहेगी पहचान महफूज रखे प्राचीन धरोहर महफूज रखे प्राचीन धरोहर सनी द प म प मगर सा महफूज रखे प्राचीन धरोहर कदम बढ़ाए रचा नया नया इतिहास जब भी हमने हाथ मिलाए दिया अमन का साथ जब जब हमने कदम बढ़ाए रचा नया इतिहास जब भी हमने हाथ मिलाए दिया अमन का साथ हमें करना है संकल्प खर्चेंगे कोई प्राचीन चित्रण प्राचीन स्मारक के दीवारों पर ना लिखेंगे कोई अक्षर ना लिखेंगे कोई अक्षर महफूज रखे प्राचीन धरोहर महफूज रखे प्राचीन धरोहर पम पम गर मगर सा मैं पूज रखे प्राचीन धरोहर
मेरे साथ आओ मिलकर करे संकल्प, आओ मिलकर करे संकल्प। स्मारक के परिसर रखे सुंदर, स्मारक के परिसर रखे सुंदर। शुद्ध पर्यावरण न करे अतिक्रमण, शुद्ध पर्यावरण न करे अतिक्रमण। मैं गुजरत के प्राचीन धरोहर, मैं गुजरत के प्राचीन धरोहर। पम पम गरे मगर सा मैं गुजरत के प्राचीन धरोहर। पर्यटक स्वागतम सदा करेंगे, पर्यटक स्वागतम सदा करेंगे। ससनी धन पप मम गगरे रे सा पर्यटक स्वागतम सदा करेंगे, पर्यटक स्वागतम सदा करेंगे। अतिथि देव भव, 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 अतिथि देव भव। मैं गुजरत के प्राचीन धरोहर, मैं गुजरत के प्राचीन धरोहर। पनीर पनीर पम पम गरे मगर समय खुद के प्राचीन धरोहर। भारत के ऐतिहासिक स्मारक सारे विश्व में है महान, भारत के ऐतिहासिक स्मारक सारे विश्व में है महान। इस विरासत को महफूज रखना यही हमारी पहचान, सदा रही पहचान, सदा रहेगी पहचान। मैं गुजरत के प्राचीन धरोहर, सनिध बनिध पम पम गरे मगर सा गुजरत के प्राचीन धरोहर। मैं गुजरत के प्राचीन धरोहर, मैं गुजरत के प्राचीन धरोहर। थैंक यू। धरोहर और ये विश्व विरासत के बारे में एक पूरा निचोड़ संगीत के माध्यम से दिया, उनको हम धन्यवाद देते हैं सभी की तरफ से। धन्यवाद विनानंद जी। अब अगला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके पश्चात ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। मैं कुछ क्लासिकल की बंदिश सुनाऊंगा। सुन पावेगी
सदा रहे Baba baba ni da ba da ma ba ma ga re da ni da ga ma ba ni sa baba ne ma de re ba da हेलो धन्यवानंद लाल जी, भीम प्लासी राग के लिए जो क्लासिकल था बहुत ही सुंदर था, सबके मन मोहक था, धन्यवाद। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट परफॉर्मेंस, दैट इज ओडिसी डांस विच इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा। द फाउंडेशन ऑफ ओडिसी आर मेंशन
in Nat Shastra, the ancient Hindu Sanskrit text of performance art. Odissi is a traditionally a dance drama genre of performance art where the artist and musician play out a mythical story, a spiritual message of devotional poem from the Hindu texts. Using symbolic customs, body movements, expressions and mudras. So without losing any time, let me call upon this on stage Subhashri Pradhan and Shreya Sina of our great performance of Odissi dance, student of Kasturi. Brooks, yeah, Stella.
स्थितम्
सोने को पाए श्रावण की वरण करे रण की मारे
हेलो ओडिसी नाट्य शास्त्र का जो ये नृत्य सुना नृत्य देखा इसके लिए प्रधान जी। अब मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उपस्थित अधिकारियों को आमंत्रित करता हूँ, उनको श्री डॉक्टर गणनायक जी सम्मानित करेंगे, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी, डॉक्टर टी आर शर्मा, डॉक्टर संजय मंजूर। डॉक्टर टी आर शर्मा, डॉक्टर मंजूर जी। अब मैं हमारे सम्मानित अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे कलाकार हैं उनको सम्मानित करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं मिस श्रिया रुस्तोगी, सम्मानित करेंगे मिस श्रिया रुस्तोगी। कहाँ दे दीजिए, सुभाश्री प्रधान और श्रेया सिन्हा जी दोनों दे दीजिए साथ। मैं डॉक्टर टी आर शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन कर प्रोत्साहित करें। हाँ 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 अभी नंदलाल जी, हाँ डॉक्टर, हाँ हो गया हो गया। राहुल पवार, राहुल पवार, कौशिक मजूमदार, अब मैं विनानंद जी को उस गुस्से डॉक्टर विनानंद जी छुपे हुए कलाकार और हमारे पुराने किला के सबसे जो है वरिष्ठ सिक्योरिटी में, तो इनको उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया जाता है श्री तिवारी जी।
मैं डॉक्टर मंजूल से अनुरोध करता हूँ कि वो उनको पुरस्कृत करें। शुरू ही बोल दिया, लिखा हुआ है। हाँ फिर बोल। साई मिनी सर्कल दिल्ली कि वो स्वागत करें कृपया। आज का जो कार्यक्रम है ये दिल्ली लघु मंडल और उद्यान शाखा दो के द्वारा जो आयोजित किया गया है, इसके संदर्भ में मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंच पर आएं। जो हमारा ऑफिस स्टाफ्स हैं और मेरे साथियों जो है मेरे साथ जो काम कर रहे हैं दिल्ली मंडल में मिनी सर्कल में, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ हॉर्टिकल्चर डिवीजन टू जिन्होंने ये जो आज जो ये सभा हुआ है उसी को जो एक चार चांद लगा दिए हैं। उनकी जो एफर्ट के लिए जो उन्होंने जो डेकोरेशन किया, उन्होंने जो मोहजी की जो कंट्रीब्यूशन रहा, जो धरोहर का प्रति जो उनका लगाव है, तो उनकी जो गीत में जो व्याख्यान किए, इसलिए मैं मोहजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हॉर्टिकल्चर डिवीज़न टू की बाकी जितने साथियों सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस संदर्भ में एक कहूँगे कि यहाँ की जो हमारे जो उद्यान मंडल की जो अधिकारी हैं जिन्होंने इतना अच्छा मेंटेन किए हैं हमारा जो मोनूमेंट्स के साथ साथ जो उनका हेरिटेज जो गार्डन को मेंटेन किए, ये हमारे लिए एक गर्व की विषय है भी है और एक इंस्पिरेशन देता है। एक्चुअली बिना बगान का, बिना फूल का कोई बगान अच्छा ही नहीं दिखता, जैसे बिना उद्यान विभाग के मोनूमेंट का कोई है ही नहीं है। तो इसलिए मैं उन लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ कि वो उनको एक भी रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो सारा जितना भी हमारा धरोहर है उनकी गार्डन डेवलप करके उनकी फूल में सजा के सबको अच्छा और ब्यूटिफिकेशन करे और अच्छा करे। और मैंने अपने जो साथियाँ हैं दिल्ली मिनी सर्कल के सबको मैंने धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, हमारा जो टेक्निकल सेक्शन हुआ कि हमारा जो कंजर्वेशन में जितने हैं हमारा अधिकारी हैं सारा आप पांच जो उपमंडल है सब ने मिल के जो एफर्ट किए हैं कि इसको सक्सेस करने के लिए, मैं उनको इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारा पांच उपमंडल है सबसे हमारा बेस्ट मेंटेन उपमंडल जाता है पुराना किला सब सर्कल को, इसलिए मैं अनुराग शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी वो उनको और अच्छाई की तरह ले जाएं पुराना किला उपमंडल को। और मैं दूसरे जो उपमंडलीय साथियों को उनको भी कहता हूँ कि और थोड़ा इंस्पायर होके और सारा उपमंडल जितना है हमारा सब अच्छा हो, ग्रो करे और सारा सुंदर हो। और मैं लूँ कि हमारा सबसे डेडिकेट है, जैसे कि हमारा कश्मीर गेट में जो है अंकुर जी, उन्होंने भी बहुत डेडिकेट में काम करते थे, वेरी हार्ड वर्कर, तो उसको भी मैंने धन्यवाद देता हूँ। और सबको एक्चुअली सबका श्रेय जाता है कि ये जो आज जो हम जो मंच पे हैं कि जो आज जो प्रोग्राम हुआ, जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ, मेरे सारा साथियों को मैंने धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उनके जो हेल्प की वजह से आज ये सक्सेस हुआ। इसी के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ, थैंक यू, नमस्ते। धन्यवाद, पुनः आपको धन्यवाद। Thank you.